जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। अंबिका टीटीए कॉलेज का प्रिंसिपल और अकाउंटेंट ट्रैप किया गया है। प्रिंसिपल संजू सोलंकी और अकाउंटेंट कपिल को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। 5,000 रुपए की रिश्वत पहली लेने की भी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल कई विद्यार्थियों से इसी मामले को लेकर रिश्वत लेने की बात भी सामने आई है। बठिंडा के रहने वाले कॉलेज निदेशक दीपक श्रीवास्तव फरार हैं। बायोमेट्रिक उपस्थिति पूरी करने के अवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। एसीबी एएसपी ओम प्रकाश चौधरी के निर्देशन इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिनको ट्रैप किया गया है। इनमें एक टीटी कॉलेज का प्रिंसिपल है जिसको ट्रैप किया गया है, दूसरा अकाउंटेंट है जिसे ट्रैप किया गया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस को पूरा करने के अवज में यह घूस मांगी गई थी। कहा जा रहा है कि 5,000 रुपए की घूस पहले ली जा चुकी थी, 4,000 की घूस अब ली गई। इस दौरान एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। मेरे सहयोगी शिवप्रकाश जुड़ गए हैं। शिवप्रकाश, जिस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया उसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वहां फर्जीवाड़ा इस हद तक की, आप आइए मत आइए, इनकी बस जेब में पैसा डाल दीजिए, अटेंडेंस पूरी हो जाएगी। जी विजेंद्र, मैं बताना चाहूँगा कि आमतौर पर कई बीएड कॉलेजों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है जहाँ छात्र भले ही पूरे सत्र जो है वहाँ महाविद्यालय नहीं आए लेकिन अटेंडेंस पूरी करने के नाम पर एक सुविधा शुल्क जिसको कह जा सकता है वो लिया जाता है। और कुछ ऐसे ही मामला यहाँ अंबिका टीटी कॉलेज में सामने आया है जहाँ छात्र के बायोमेट्रिक हाजिरी को पूरा करने और छात्रवृत्ति की जो है राशि दिलाने के नाम पर यह रिश्वत की राशि मांग की गई थी और इस रिश्वत की राशि को आज 4,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। और जो अकाउंटेंट है कपिल, जो अब जिसने अभी अपना नाम कार्तिकेय भी बताया है, तो उसको 4,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और यह रिश्वत की राशि जो है महाविद्यालय की जो प्रिंसिपल है संजू सोलंकी उसके द्वारा मांगी गई थी। मैं बताना चाहूँगा कि एसीबी के एडिशनल एसपी ने बताया कि अब तक की पूछताछ में सामने आया कि जो प्रिंसिपल है उसका कहना था कि मैनेजमेंट के कहने के आधार पर उन्होंने जो है रिश्वत की राशि यह प्राप्त की है और ये इस तरह की घटना सामने। लेकिन अब जांच का विषय होगा कि क्या मैनेजमेंट के जो अधिकारी हैं वो कितने दोषी हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें संजू सोलंकी जो पूर्व पार्षद भी यहां रह चुकी है और उनको प्रिंसिपल वर्तमान में अंबिका टीटी कॉलेज की है और उनको यहां हिरासत में लिया गया है। जी, और कॉलेज निदेशक कहां गायब है? जी फिलहाल एसीबी का कहना है कि हमने उनको जो है ऑन रिकॉर्ड में कहीं भी मुलजिम नहीं लिया है क्योंकि अभी सीधे तौर पर उनकी कहीं भूमिका सामने नहीं आई है। तो एसीबी फिलहाल यह जानकारी होने से इंकार कर रही है कि वो फरार है क्योंकि एसीबी का कहना है कि जब हमने उनसे गिरफ्तारी नहीं किया और उनकी दबिश के कोई प्रयास नहीं किए। लेकिन सूत्र का यह कहना है कि इस कार्रवाई के बाद जो प्रिंसिपल जो संस्था के प्रधान थे वो कहीं ना कहीं यहाँ से फरार हो गए। लेकिन एसीबी का कहना है कि जब तक ऑन रिकॉर्ड पूरी बात नहीं आएगी तब तक यह कार्रवाई है वो सीधे कहा जा रहा है। कुछ और बच्चे सामने आ रहे हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि हाँ उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस को पूरा करने के लिए डिमांड की गई थी और उन्होंने पैसे दिए हैं। जी अभी स्वयं एसीबी के जो एडिशनल एसपी उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि कुछ और लड़कों ने उनसे संपर्क किया है और कहा कि इस तरह की राशि उनसे भी ली गई है अटेंडेंस पूरी करने के नाम पर। तो अब जियो जो आगे जांच बढ़ेगी उसमें अन्य जो छात्र हैं उनके जो बयान है वो भी कलमबद्ध किए जाएंगे और उसके आधार पर जो आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। शिवप्रकाश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जरा सोचिए किस तरीके से शिक्षा के मंदिर के अंदर बच्चों से इसलिए पैसे लिए जा रहे हैं ताकि उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस को पूरा कर दिया जाए। इससे बच्चे और लापरवाह होंगे क्योंकि उनके पता है कि भाई कितना पैसा आपको देना है और अटेंडेंस पूरी हो जाएगी।